दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हाई सिक्योर 2MP प्लस 2MP ट्रिपल लेंस जूम 4G कैमरा के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है HFX SDL V20 T20 L3 4G। तो ये 4G कैमरा है, ट्रिपल लेंस में कैमरा है। तो जल्दी से हम इस कैमरे की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें एक मिलता है इंस्ट्रक्शन कार्ड, किस तरीके से आपको कैमरा इंस्टॉल करना है, और एक मिलता है आपको लेंस पोर्ट को जो है सेव करने के लिए जो है लेंस कवर, और कुछ स्क्रू एंड विटी, और एक कैमरा इंस्टॉल करने के लिए जो है पावर एडाप्टर। और दोस्तों ये हमें मिलता है एक ट्रिपल लेंस कैमरा, जिस पर आप देख सकते हैं दो एंट्री ने दिए हुए हैं। एक कैमरा आपका ऊपर है, दो कैमरे आपके जो है नीचे हैं। यहाँ पे IR और ये कलर्ड LEDs। तो कैमरा आपका ड्यूअल व्यू देता है, और जो आपका पेन टिल्ट करता है कैमरा ये वाला, इसमें आपका जो है ऑप्टिकल जूम के लिए भी एक लेंस दिया हुआ है। यहीं पे आपका जो है सिम स्लॉट और SD कार्ड स्लॉट है। तो जो ऊपर है इसमें आपको जो है अपना सिम इंसर्ट करना है इस तरीके से। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे यहाँ पे सिम आपका लॉक हो जाएगा, और नीचे साइड में जो है आपको SD कार्ड इंस्टॉल करना है इस तरीके से। ये भी आपका इस तरीके से लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों कैमरे में एक लैन पोर्ट भी दिया हुआ है, और रिसेट करने के रिसेट बटन, और ये पावर सॉकेट। तो जल्दी से हम कैमरा कॉन्फ़िगर करते हैं और इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। Network connected. तो अभी कैमरे ने नेटवर्क कनेक्टेड बोला, इसका मतलब जो है अपना 4G सिम कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों मोबाइल पे व्यू करने के लिए सबसे पहले मोबाइल पे जो है HFX क्लाउड एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ऐड डिवाइस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है 4G कैमरा वाईफाई कैमरा, तो 4G कैमरा सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो है QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं जो आपके कैमरे पे बना हुआ है, या फिर आप यहाँ पे जो है टाइप भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे कैमरे का जो है क्लाउड ID टाइप कर लिया है, डन करके कन्फर्म कर देंगे। तो यहाँ पे आप कैमरे का एक नेम देंगे, और इसको जो है व्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे। कैमरा जो है आपका ये ऑनलाइन हो गया है। यहीं से जो है आप कैमरे को अप डाउन लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं, और कैमरे को जो है ऑप्टिकल जूम भी यहाँ से आप कर सकते हैं इस तरीके से। टेन एक्स तक जो है ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं कैमरे को। इस तरीके से यहाँ से जो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपके गैलरी में जाके सेव होगा। स्पीक का बटन प्रेस करके आप टू वे टॉक भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग प्रेस करेंगे तो आपके मोबाइल पे कैमरा रिकॉर्ड हो जाएगा, आप गैलरी में जाके रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी मोर सेटिंग है, यहाँ पे आपका अलार्म है, लाइट कंट्रोल, रीसेट, PTZ, मोशन ट्रैकिंग, इमेज सेटिंग। इमेज सेटिंग में आपको फुल कलर चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, जो भी आप कुछ सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैमरे की अदर सेटिंग के लिए जो है यहाँ पे जाएंगे और सेटिंग का ऑप्शन ओपन करेंगे। यहाँ से जो है आप कैमरे का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, डिवाइस टाइम सेट कर सकते हैं, इंडिया के हिसाब से 5:30 यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। इंडिया इसी तरीके से बाकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं,
जैसे आप अलार्म सेटिंग आपको करनी है, अलार्म सेटिंग इसके अंदर दो टाइप की है, एक तो एक मोशन डिटेक्शन है और एक आपका है AI ह्यूमन डिटेक्शन। मोशन पे आपको अगर डिटेक्शन पे अलार्म चाहिए तो इसको ऑन करेंगे, अदरवाइज ऑफ रहने देंगे। आपको ह्यूमन पे चाहिए तो ह्यूमन पे ऑन करेंगे आप। यहाँ पर अगर आपको ऑडियो चाहिए तो ऑडियो भी इनेबल कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन जैसे ही मोशन होगा तो आपका जो है अलार्म बजेगा। यहीं से जो है आप अपनी कस्टमाइज रिकॉर्डिंग भी जो है ऑडियो की डाल सकते हैं। इसके साथ ही जो है आप रिकॉर्डिंग सेटिंग यहाँ से ऑन कर सकते हैं, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग चाहिए, इवेंट रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्ड में ऑडियो चाहिए नहीं चाहिए, वीडियो क्वालिटी HD जो भी आप कुछ चेक कर सकते हैं। PTZ ऑटो पेट्रोल आप सेट कर सकते हैं, लाइट सेटिंग कर सकते हैं, आपको किस टाइम पे लाइट ऑन ऑफ चाहिए या किस टाइमिंग के हिसाब से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। एडवांस सेटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे IP सेट करना चाहें तो कैमरे की IP भी आप जो है सेट कर सकते हैं। कैमरा रिबूट करना है, रीसेट करना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अभी हम कैमरे को जो है आउटडोर में इंस्टॉल करेंगे और इसकी जो है क्वालिटी एक बार चेक करेंगे।